हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए और आसान तरीके से ढाबा स्टाइल राजमा, जो खाने में होगा बहुत ही स्वादिष्ट। और चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। ढाबा स्टाइल राजमा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कप राजमा को 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। और हम लेंगे 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्च और साबुत धनिया। राजमा बनाने के लिए हम लेंगे एक प्रेशर कुकर, गैस ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे 7 से 8 घंटे के लिए भिगोए हुए राजमा। आप इसे ओवरनाइट के लिए भी भिगो सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। पानी डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ साबुत खड़े गरम मसाले, 2 छोटी इलायची डालेंगे, 3 से 4 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 2 तेज पत्ता डालेंगे। राजमा हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो इसके लिए हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। साबुत मसाले डालकर हाई फ्लेम और अब कुकर का ढक्कन लगाकर वे 3 से 4 सीटी आने देंगे। और इसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम करके 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब तक राजमा हमारे कुक होते हैं तब तक मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। जार में रफली कट किए हुए ऑनियन या प्याज डालेंगे। यहाँ मैंने प्याज को बड़े टुकड़ों में काट लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने प्याज को अच्छे से पीस लिया है। और अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और सेम ग्राइंडिंग जार में ही हम मसाला पीसेंगे। हम इसमें 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 2 चम्मच धनिया डालेंगे और इसमें 1/2 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और इसमें 5 से 6 काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मसाले अच्छे से पीसे इसके लिए हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर जार का ढक्कन लगाएंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए, मसाला हमारा बिल्कुल बारीक या महीन पिसा है। और अब हम मसाले को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और अब हम सेम ग्राइंडर में ही रफली या बड़े टुकड़ों में कटे हुए टमाटर डालेंगे। और अब हम जार का ढक्कन लगा करके टमाटर को भी पीस लेंगे। और ये देखिए, टमाटर का भी यहाँ मैंने पेस्ट बना लिया है। मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। चलिए और अब हम राजमा बनाएंगे। राजमा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक पैन, आप इसकी जगह कढ़ाई भी ले सकते हैं। और पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन में डालेंगे 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। तेल या ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग। हींग आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, हींग से फ्लेवर के साथ ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। 2 हरी मिर्च को तोड़कर डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें 1/4 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। सभी इंग्रेडिएंट को 30 से 40 सेकंड के लिए तेल में अच्छे से पकने देंगे। और अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ या पिसा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज डाल करके गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है, हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालकर हम इसे प्याज के साथ चलाते हुए 1 मिनट के लिए चलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट के साथ प्याज भी हमारा अच्छे से भुन गया है। और अब हम इसमें धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च का तैयार किया हुआ 2 चम्मच पेस्ट डालेंगे। मसाले डालकर गैस का फ्लेम 20 से 30 सेकंड के लिए हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे मसाले को अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, जिससे मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से राजमा बनाएंगे तो गारंटी है कि आपका राजमा कम समय में बिल्कुल परफेक्ट ढाबा स्टाइल बनके तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं और मसाले तेल भी छोड़ रहे हैं। और इस टाइम पे हम इसमें पिसा हुआ टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाल करके गैस का फ्लेम एक बार फिर से हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, जिससे टमाटर हमारा जल्दी से पक जाएगा
और अब गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। तीखा के लिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले में आधा चम्मच नमक डालेंगे। हमने राजमा में भी नमक डाला है तो इसमें नमक का यूज़ कम करेंगे और इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और सभी मसाले को मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हम भून लेंगे। मसालों को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है और ये देखिए मसालों का बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। हम इसे कंटिन्यू इसी तरह चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए और भून लेंगे और ये देखिए राजमा हमारे अच्छे से पक गए हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट पका है। और चलिए अब हमारा मसाला भी तैयार हो गया है और अब हम मसाले को भी चेक कर लेते हैं और मसालों को हम चला लेंगे और ये देखिए मसाले हमारे बिल्कुल परफेक्ट और अच्छी तरह से भुन गया है और मसाले हमारे पैन को भी छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है और अब हम इसमें बॉईल किया हुआ या उबला हुआ राजमा डालेंगे। राजमा डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे राजमा को हम मसालों के साथ एक बार अच्छे से चला लेंगे जिससे मसाले राजमा में अच्छे से मिल जाए या मिक्स हो जाएगा। और अब हम इसमें से तेज पत्ता निकाल देंगे और अब हम राजमा को मसालों के साथ मिलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे जिससे मसालों का फ्लेवर राजमा में अच्छे से आ जाएगा। और आप इस टाइम पे चाहे तो ढक भी सकते हैं या कवर करके भी इसे पका सकते हैं। और ये देखिए राजमा हमारे मसालों के साथ अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालकर हम इसे एक बार फिर से चलाते हुए अच्छे से गरम मसाला को मिला लेंगे जिससे राजमा में गरम मसाला का फ्लेवर अच्छे से मिल जाएगा। और राजमा को 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। और ये लीजिए हमारा ढाबा स्टाइल मसाला राजमा बनके तैयार हो गया है और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और इसे मिला लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब आप इसे तंदूरी रोटी, चपाती, चावल किसी के भी साथ खाएं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अब मैं आप सभी के साथ मिलती हूँ अगले नए रेसिपी में।